आज हम जानेंगे 24 और 25 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम अब कम होने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश में बारिश के बाद लोगों को गर्मी भी सताएगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट की माने तो 24 फरवरी को प्रदेश के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 25 फरवरी को प्रदेश के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर मध्य के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश के कारण इन दिनों तापमान में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास होगा। तो आइए अब जान लेते हैं 24 और 25 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 24 फरवरी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 25 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 24 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक बने रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अगर हम 25 फरवरी की बात कर ले तो अगर 25 फरवरी का जो अधिकतम तापमान होगा वो 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 25 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक बने रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद, अरवल का 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक बने रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 25 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 25 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 25 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।